टीवी का फेमस शो अनुपमा हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। शो की कहानी ही नहीं, इसके स्टार्स भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। बीते काफी वक्त से ये शो कई वजहों से चर्चा में बना हुआ है। इस शो को कई स्टार्स ने भी छोड़ दिया है, इन्हीं में पारस कलनावत भी एक रहे हैं। पारस कलनावत को इस शो से खास पहचान मिली, लेकिन दर्शक तब हैरान रह गए जब पारस अचानक ही अनुपमा से निकाल दिए गए। उस वक्त पारस ने शो छोड़ने की वजह नहीं बताई थी, लेकिन ये बात चर्चा में आई थी कि उन्हें रूपाली गांगुली की वजह से शो छोड़ना पड़ा है। वहीं अब 2.5 साल बाद एक्टर ने शो छोड़ने के बारे में खुलकर बात की है। दरअसल हाल ही में बख्तियार ईरानी और अली असगर का चड्डी बड़ी सीजन 2 में अनुपमा के 3 स्टार्स यानी पारस कलनावत, सुधांशु पांडे और निधि शाह पहुंचे। इस दौरान तीनों ने राजन शाही के शो को लेकर कई राज खोले। इन तीनों से शो छोड़ने के पीछे की वजह के बारे में पूछा गया तो सुधांशु पांडे और निधि ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन पारस ने अपने दिल की बात बिना किसी डर के कह दी। पारस ने बिना नाम लिए ही रूपाली गांगुली को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। 2.5 साल बाद पारस ने इंटरव्यू में कबूल किया कि उनके सीन को एपिसोड के लास्ट में कट कर दिया जाता था या उसे हटा दिया जाता था। पारस ने आगे कहा, शो में मेरे सीन कट कर दिए जाते थे। मैं चाहता था कि मेरा ट्रैक आगे बढ़े, क्योंकि वो अचानक से खत्म हो गया था। ये बस किसने करवाया था, ये बात आपको पता ही है। चैनल शो की प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होना चाहता था, जो पहले से ही टॉप पर है। ये ऐसा था, अगर उसे किसी खास व्यक्ति के साथ सीन करने में दिक्कत है तो उसे हटा दें, चैनल उससे नहीं पूछेगा। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर कोई जानता है कि वह व्यक्ति कौन था। पारस किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।